दुनिया दे भ्रमण दौरान जदों श्री गुरु नानक देव जी पैदल यात्रा करते हुए पुरी दे जगन्नाथ मंदिर पहुंचे तां उत्थों दी सामने आई एक घटना ने श्री गुरु नानक देव जी दी उपमा च होर वाधा कर दिता है। एक किस्सा जगन्नाथ पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर दे रिकॉर्ड घर विच ताड़ ते पत्तियां ते पांडू लिपि ते लिखिया होया है, जिस ते लिखिया होया है कि पुरी दे राजा प्रताप रुद्रदेव दे शासनकाल दे 13वें साल विच गुरु नानक मर्दाना अते 14 होर सन्यासियां दे नाल जगन्नाथ मंदिर पहुंचे तां उन्हां दा पहरावा वेख के द्वारपाला ने गुरु जी नूं खलीफा समझ लिया अते मंदिर विच प्रवेश ना करन दिता। श्री गुरु नानक देव जी समुंदर दे किनारे चले गए अते उत्थे कीर्तन करना शुरू कर दिता। उसी रात राजा नूं सपना आया ते प्रभु जगन्नाथ ने आदेश दिता कि मंदिर विच आरती बंद कर दिती जाए क्योंकि मैं उस वेले उत्थे नहीं हुंदा, समुंदर दे किनारे भजन सुन रहा हुंदा। राजा ने उत्थे जाके देखिया तां गुरु नानक कीर्तन कर रहे सन अते भगवान जगन्नाथ बलराम अते सुभद्रा उत्थे खड़े सन। राजा ने गुरु नानक देव जी तो माफी मंगी अते श्री गुरु नानक देव जी नूं नाल लैके श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। गुरु नानक 24 दिन पुरी च रुके। गुरु नानक अध्ययन विभाग दे रघुवीर सिंह ने उड़ीसा विच लिखी पांडुलिपि भगत पंचंग दा अध्ययन किया। ताई गल सामने आई, ए पांडुलिपि सन 1504 तो 1534 दे दरमियान शिशुमठ पुरी दे जसोबंद दास ने लिखी है, जिस विच चैतन महाप्रभु, जगन्नाथ दास, अचुत्यानंद दास, गुरु नानक देव अते सिसुन दास दी पूरी यात्रा दा वर्णन किया गया है।